हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान रियल दर्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम वशिष गाइस लेकर आ गए हैं आज रौनक भैया का वीडियो। देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। टीम में क्या अपडेट्स हैं सब कुछ देखेंगे इसके अंदर। T20 में कोहली सर और रोहित सर का आगे क्या सीन है सारा देखेंगे। इनके बगैर मैं T20 मैच नहीं कर सकता भाई, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। रणतंत्र देख रहे हैं आप, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत मुबारक हो, आपने साल 2023 की 11 महीने सफलतापूर्वक बर्बाद कर लिए। कल से आखिर शुरू हो जाए, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बर्बाद करना है, ठीक है? कुछ भी प्रोडक्टिव कर लिया तो अच्छे खासे रिकॉर्ड पर कलंक लग जाएगा। वैसे साल 2023 क्रिकेट के लिहाज से भी हमने बर्बाद ही कर लिया है। हाँ, हम बहुत अच्छा खेले, हमारे गेंदबाज नंबर वन बन गए, बल्लेबाज नंबर वन बन गए, हमारी टीम नंबर वन बन गई, लेकिन 2023 में दो ICC ट्रॉफी थी जिसमें से एक भी जीत जाते तो दिल को ठंडक मिल जाती, एक भी नहीं। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जीतने के बहुत करीब पहुंच गए थे। WTC के फाइनल में भी पहुंचे, वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुंचे। ऐसे में वर्ल्ड कप हारने के बाद भी BCCI टीम इंडिया के करंट सेटअप को एक और मौका देने के बिल्कुल मूड में लग रही है, और 2024 का वर्ल्ड कप में शायद यही सेटअप आपको मिले। और इसके लिए इंतजाम होने भी शुरू हो चुके हैं। क्या क्या तैयारियां पूरी कर ली गई है, आइए आज के वीडियो में आपको वही बताएंगे। तैयारी नंबर वन, हेड कोच राहुल द्रविड़ और बाकी के कोचिंग स्टाफ को नए कॉन्ट्रैक्ट थमा दिए गए हैं। पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से राहुल द्रविड़ का टाइम पीरियड 2023 वनडे वर्ल्ड कप का था, जो कि खत्म हो गया है। फिलहाल जो T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही है उसमें VVS लक्ष्मण इंडिया के कोच हैं, लेकिन द्रविड़ साउथ अफ्रीका दौरे के साथ टीम इंडिया की कमान वापस संभाल लेंगे। BCCI ने द्रविड़ और बाकी के कोचिंग स्टाफ को फिलहाल 2024 T20 वर्ल्ड कप तक का एक्सटेंशन दे दिया है। मेरे हिसाब से अच्छा फैसला है। हालांकि पूरे साल राहुल द्रविड़ के फैसलों पर इंटरनेट पर मीम बनाने वालों ने अपना घर चलाया है। उनके कई फैसले तो हमें भी समझ में नहीं है, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आया ऐसा लगा कि सारे हिस्से जुड़कर एक साथ आ गए, पजल सॉल्व कर लिया गया, टीम एकदम परफेक्ट लग रही है और ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतरीन है। और इन सब की वजह से कोच राहुल द्रविड़ और BCCI को यह बात पता थी, इसीलिए यह कल्चर जिंदा रखने के लिए BCCI ने राहुल द्रविड़ को एक्सटेंशन दिया और राहुल ने भी इसे स्वीकार कर लिया। राहुल के पुराने टेन्योर की बात करी जाए तो इंडिया उनकी कोचिंग में 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा, 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा और 2023 एशिया कप जीता और फिर 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट बना। BCCI की तैयारी नंबर दो, रोहित शर्मा को वापस लाना। 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद से रोहित शर्मा और कोहली ने कोई भी T20 नहीं खेला, क्योंकि सारा फोकस ODI क्रिकेट पर था। ऐसे में अब सारा फोकस T20 क्रिकेट पर वापस आ जाएगा। अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि रोहित शर्मा और कोहली का वर्कलोड मैनेज करने के लिए शायद उन्हें छुट्टी दे दी जाए या फिर उनके T20 करियर का फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि होने वाला है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक रोहित शर्मा को मनाया जा रहा है कि वो 2024 T20 वर्ल्ड कप खेलें। अब अगर रोहित वापस आए तो गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में से किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा। इन तीनों में कौन जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तो पक्का है कि रोहित आए तो वही टीम के कप्तान भी बनेंगे। वैसे रोहित बढ़िया फॉर्म में है और जिस हिसाब से उन्होंने ODI वर्ल्ड कप खेला है उस हिसाब से उनके T20 अप्रोच पर भी बिल्कुल शक नहीं है। वो जब तक प्रदर्शन कर रहे हैं तब तक खेलते रहे। लेकिन आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को BCCI की रिक्वेस्ट मानकर 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए क्या और उसके बाद T20 से रिटायरमेंट लेनी चाहिए क्या, या फिर रोहित शर्मा ये प्रपोजल ठुकरा दे और नए लड़कों को मौका दे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। वैसे T20 से जुड़ी एक बड़ी खबर कल विराट कोहली के हवाले से भी आई, हमने अपने दूसरे चैनल क्रिको पर उसका पूरा वीडियो बनाया, जाकर जरूर देखना, लेकिन यहां पर हम आपको समरी बता देते हैं। कुछ भरोसेमंद सूत्रों के हिसाब से विराट कोहली ने BCCI को यह बता दिया है कि वो आने वाले किसी भी व्हाइट बॉल सीरीज, चाहे वो T20 हो या ODI, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। ऐसे में टाइम आता जा रहा है कि दिसंबर में होने वाली साउथ अफ्रीका सीरीज और उसके बाद जनवरी में होने वाली अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज में कोहली डेफिनेटली नहीं खेलेंगे, वो सिर्फ टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे। क्या इसको ये मान लिया जाए कि विराट कोहली अब T20 क्रिकेट पूरी तरह से छोड़ चुके हैं? क्योंकि देखो, वनडे तो अगले साल कम ही है और वनडे में विराट कोहली चैंपियन है। साल 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयार हो जाएंगे, लेकिन खुद विराट के मुताबिक T20 क्रिकेट उनका कमजोर पक्ष है, इसलिए उनके इस फैसले को उनके T20 करियर का अंत माना जा रहा है। आपके हिसाब से रोहित और विराट में से किसको T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, या दोनों को खेलना चाहिए या दोनों को नहीं खेलना, जो भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में बताना, हम समझ जाएंगे देश का मूड क्या है। वैसे मेरा मूड ये है कि कोई भी खेले, 24 की ट्रॉफी अपने पास आनी चाहिए। नहीं, फिलहाल 2024 का T20 वर्ल्ड कप दूर है, उससे पहले भी बहुत सारा माल मसाला भरा पड़ा है क्रिकेट में और वो सब कुछ आपको यही देखने को मिलेगा, इसलिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। यार भाई, दरअसल ना विराट कोहली ने अगर ये अगली दो सीरीज न भी खेली ना तो IPL में वो इतना वो दो महीने लगातार होता है, उनकी फॉर्म वो जो है अपनी वो बरकरार कर जाएंगे। विराट कोहली ऐसा ना, उसकी उनकी फॉर्म का तो हमें शक ही नहीं है कि वो आएगी आएगी। और फिट भी बहुत है, दोनों ये वाला वर्ल्ड कप दोनों ने खेलना चाहिए। बेशक उसके बाद T20 से रिटायरमेंट ले लें, लेकिन दोनों को खेलना चाहिए। विराट कोहली तो अभी बहुत फिट है यार, वो तो अभी बहुत ज्यादा फिट है, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, तो मतलब रोहित शर्मा भी
हम चाहते हैं कि भाई मतलब ये खेलें, ये वाले लीड करें और ये ट्रॉफी जिताएं भारत से। यार एक दोनों हीरोज मिलकर मतलब लास्ट डांस तो नहीं होता T20 का। हाँ भाई वो खेलें और जिताएं भारत को ट्रॉफी। यार मतलब एक बहुत अच्छा मोमेंट बन जाएगा। अच्छा, इस बार भी यार अच्छा। जीत जाते, मजा आ जाता दोनों के पास, मतलब दोनों मिलके एक ट्रॉफी जिताते। लेकिन यार क्या करें, इस बार नहीं हो सका, लेकिन ये 2024 का जो है ये हर हाल में जीतना चाहिए। लास्ट में T20 है और T20 में तुम्हें पता है इंडिया की यंग टीम इतने तबाही मचा रही है, तो खुद सोचो जब फुल टीम। और अगर रोहित शर्मा आए तो मेरे जितना आइडिया है T20 का, मैं पता है आज को शायद निकाले फिर T20 में स्कोर भी बन रहा है सब कुछ। पता है T20 में इस टीम में जो अभी तक ये जो खेल रहे हैं, जो तीन मैचेस हो चुके हैं, इनमें सबसे कमजोर चीज इंडिया की मुझे बॉलिंग लगी है। बॉलिंग वाकई सबसे कमजोर चीज मुझे लगी, वही बॉलिंग वाकई कमजोर लगी है, बहुत कमजोर। तो बिश्नोई के अलावा मतलब ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं मैं देख रही जो आगे जाकर कोई नहीं। प्रसाद कृष्णा मार खा रहा है, मार खा रहा है, मतलब जो बॉलिंग है उस पर बहुत वर्क करना पड़ेगा। बॉलिंग पे वर्क जिस तरह, लेकिन बॉलिंग में वो वनडे में अगर वो शमी लोग आ जाएंगे उस टाइम, अब देखो कौन कौन आ रहा है। मेन बॉलिंग लाइनअप भारत का खेल यार बहुत बड़ी टीम बनती है। भारत का मेन बॉलिंग लाइनअप जो प्लेयर है वो कुलदीप हो गया, साथ में ये हो गया शमी हो गया, सिराज हो गया, बुमराह हो गया, ये लोग कोई भी नहीं खेल रहे, कोई भी नहीं खेल रहे, ये लोग एक भी अभी तक नहीं खेल रहे। T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर फर्ज करो इनमें इस टीम में से कोई, इसमें IPL की भी फॉर्म देखी जाएगी। अच्छा ये सीरीज है इसमें भी प्लेयर देखे जाएंगे, उसके बाद सारे सेलेक्ट करके वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनाया जाएगा। मुझे भी यही लगता है बिल्कुल यही। और रोहित शर्मा लोगों को अच्छा मनाया जा रहा है उनको कि मतलब लीड करो। असल में रोहित शर्मा खुद जो है ना मेरे ख्याल उनका दिल टूट सा गया मेरा जितना आइडिया। आपने वर्ल्ड कप के बाद उनको नहीं देखा कि वो मतलब इतना सुर्खियों में आया हो, उनका दिल टूट सा गया, सीरियसली बोल रहा हूँ। उनको इतना वो हर्ट हुआ ना, वो अभी कोई लीड करने नहीं करना चाहते, मतलब उनको वो नहीं मजा आ रहा भाई उस चीज में। सही बोला बिल्कुल। जाहिर बात है कि उनका ड्रीम था कि ये लेकर जानी और बहुत करीब, मैं कहता हूँ उन्होंने यही बोला था, उन्होंने कहा था कि मुझे कप नजर आता, उसने कहा मुझे ये नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रिकॉर्ड नहीं बनाने, मुझे मुझे कप चाहिए। मतलब ये जो उनकी बातें वो हर्ट करती है बहुत, हमें खुद मतलब वो इतना वो सुन के दुख हुआ था वो बातें यार। सही बात, लेकिन बहुत करीब से आ रहे हैं ना। चलो यार इसी पर दुनिया कायम है, 2024 का जीत जाए तो मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। सही बात, सही बहुत बोली है। और यार जिस तरह की इंडिया ने मेहनत की है जरूर जीतेगी भी यार। देखो जो टीम अच्छा खेलती है ना वो डिजर्व करती है वो जीतना, वो जीते भी मैं मुझे यही लग रहा है। हम तो यही कहते हैं कि यार जीत जाए। आपका कैसे सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपने राय कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार